हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अगेन यूट्यूब चैनल्स। मैं आपका कंस्टिट्यूटर विवेक यादव। तो जैसा कि बेटा हमने प्रीवियस जो वीडियो पार्ट करवाया था उसमें हमने आपसे डिस्कस की थी जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कैसे हम इंटीग्रेटेड फॉर्म से रेट लॉ को आइडेंटिफाई करते हैं। आज जो हमारा मेन मोटिव होगा सेशन का, उसके अंदर हम सीखेंगे न्यूमेरिकल्स। तो कैसे हम न्यूमेरिकल को फाइंड आउट करते हैं। तो एक टाइप न्यूमेरिकल की मैंने उस दिन लास्ट में करवाया था आपको कि वी आपसे डायरेक्ट वो पूछता है कि टी ऑफ, अगर डायरेक्ट पूछता है टी ऑफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी ऑफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसमें के का मान वो गिवन करता है, तो आपको डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब आज हम करते हैं ये नेक्स्ट टाइप। इस ये टाइप भी काफी बार एग्जाम में, अभी प्रीवियस जो एग्जाम थे उसके अंदर भी आई थी आपके पास, या कभी किसी पेपर में ये वाले टाइप भी आ जाती है। इस टाइप में कोई भी चीज कर सकता है, या तो आपसे के का मान दे देगा, के का मान दे देता है तो टी ऑफ निकाल दो, और अगर आपसे के का वैल्यू निकालता है तो टी ऑफ इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल से टाइप थे हमारे पास। अब हम जैसे सीमी आज हम जो नेक्स्ट टाइप लेके आए हैं आपके लिए, जैसे वो टाइप है इस टाइप की मिलेगी आपको। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 100 मिनट फॉर कंप्लीशन 60%, कि भाई एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो 100 मिनट लेती है 60% कंप्लीट होने के लिए। भाई 60% पूरी होती है कब, 100 मिनट के अंदर। कहता है फाइंड द टाइम विच व्हेन 90% ऑफ रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। 90% क्योंकि 90% पूरा होने में वो कितना टाइम लेगी, 90% कंप्लीट होने में वो कितना टाइम लेगी। तो सबसे पहले इस टाइप की स्टेटमेंट में कभी भी क्वेश्चन आता है आपके पास, तो सबसे पहले तो आपके माइंड में जो फर्स्ट ऑर्डर का हम फाइंड आउट करते हैं रेट ला, वो क्या होता है 2.303 अपॉन में टी लॉग लॉग, यहाँ पे क्या होता है आर नोट अपॉन में आर, या हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन में ए माइनस एक्स, ए अपॉन में ए माइनस एच। ये दोनों चीजें एक ही है, ये फॉर्मूला भी और ये फॉर्मूला भी दोनों एक ही है, और करके लिख दिया हमने के बराबर दिस। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास क्या है, एक ही। ठीक है, अब आपको देखो करना कैसे है। जब भी क्वेश्चन ऐसे परसेंटेज का आ जाता है आपके पास, ऐसे परसेंटेज का क्वेश्चन आता है आपके पास, तो बेटा एक चीज मान लेना। कैसे क्या मानोगे, दो हम अलग अलग स्टेटमेंट करते हैं। क्या स्टेटमेंट करेंगे, देखो पहली स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि भाई 60%, 60% के लिए निकालता हूँ पहले मैं, मेरे को टाइम उसने दिया गया है कि 60% पूरी होती है 100 मिनट में, तो 2.303 अपॉन में 100 लो। अब यहां कैसे पुट करना आपको, तो एक बात ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन ऐसे परसेंटेज का आता है तो इस इनिशियल की जगह पे स्टार्टिंग हम मान लेते हैं कि हमारी रिएक्शन 100% का बार, मतलब हमारी जो कंसेंट्रेशन है पूरी 100 है, कंसेंट्रेशन क्या पूरी 100 है, ये हमने मानना है। जैसे आप मैथमेटिक्स में करते थे ना माना मोल देन सो, तो इसी तरह जब भी परसेंटेज क्वेश्चन हो तो इनिशियल की जगह पे हमेशा 100 पुट कर देंगे भाई। आफ्टर टाइम टी के बाद क्या करेंगे, जो भी परसेंटेज आपसे देता है 60% देता है, तो 100 में से 60 घटा दो, 100 में से 60 को सबट्रैक्ट कर देंगे आपके पास। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, के का मान आएगा। किसका मान आएगा, के का, क्योंकि उसने मेरे से पूछा है टाइम, मतलब जब 90% होते हैं तो उसके लिए क्या टाइम होगा, तो यहां से मैं के का मान निकालूंगा। के मान के लिए यहां इसको सोल्व करोगे क्या आ जाएगा, 100 अपॉन में 40, 100 अपॉन में 40, इसको सोल्व कर लो, जीरो से जीरो कट गया, ये कितना आ गया आपके पास। या ऐसे भी कर सकते हो, काटना चाहो तो कर सकते हो, ना तो भाई ऐसे भी लिख लेंगे क्या, ये चीज को आप ऐसे लिख लो के बराबर है 2.303 अपॉन में 100 लॉग, भाई लॉग एम बटन क्या होता है, लॉग 10 माइनस में लॉग 4 हो गया आपके पास। अब लॉग 10 का मान कितना होता है, 2.303 अपॉन में 100, लॉग 10 का मान कितना होता है 1 माइनस में लॉग 4 का लॉग टेबल से देखोगे। अब देखो एक डिजिट होती है तो n माइनस 1 करते हैं ना पहले, तो 0 पॉइंट, अब 40 का 0 पे देखो, किसका देखोगे 40 का 0 पे, 40 का 0 पे होता है 60 21, कितना होता है 60 21, तो भाई इसमें से आप सबट्रैक्ट करोगे, तो मैं राउंड फिगर में करता हूँ, एक में से 0.6 घटाऊंगा तो कितना आ गया 0.4 आ गया मेरे पास, कितना आ गया 0.4 आ गया। तो बस मैं राउंड फिगर के अंदर मेरे पास सॉल्यूशन हो जाए 2.303 अपॉन 100 इंटू यहाँ पे कितने आ जाए मेरे पास 0.4 आ गया, कितना आ गया 0.4। जब इस टर्म को मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ से मेरे पास आएगा के का मान, किसका मान आएगा, के का मान। तो देखो मेरे पास ये के का मान अगर मैं सोल्व करता हूँ इसमें, तो
के का मान देख लो आप, इसके पास आपके पास ये हो जाएगा, ये 2.3 2.303 बटे 100 और 0.4, ठीक है। तो यहां से के का मान अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे उसने पूछा है ग्रिड टाइम, पूछा है 90% के लिए, फिर दोबारा यही स्टेटमेंट लिखूंगा के बराबर है। अब की बार मेरे क्या निकालना है, टी निकालना है, तो क्या चला जाएगा, टी ऊपर चला गया 2.303। कैलकुलेशन यही कर लूंगा मैं अपनी, और ये के का मान जो है, ये वाला पूरा के का मान यहाँ पुट कर दूंगा, ये वाला के का मान क्या कर दूंगा यहाँ पे पुट कर देंगे भाई, वो पुट करेंगे बाद में, पहले एक मिनट रुक जाओ। इसको यहाँ पे क्या आएगा, अब आएगा यहाँ पे लोग। अब देखो मैंने बताया था जब परसेंटेज क्वेश्चन हो तो ऊपर वाले आर नोट को हमेशा क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। नीचे क्या जाए, जितनी परसेंटेज है उसको 100 में से घटा दो, 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ये के का मान मैं पुट करूंगा अभी, कौन सा मान पुट करूंगा, ये वाला जो आएगा मेरे पास। तो भाई ये देखो 100 अपॉन में 100 माइनस 90, तो ये क्या बच जाएगा, इस टर्म को सोल्व करोगे तो लॉग 100 अपॉन में 10, 0 से 0 कट गया, लॉग 10 आ गया, ये क्या आ गया, लॉग 10। अब देखो लॉग 10 का मान कितना होता है, एक होता है, लॉग 10 का मान कितना होता है, एक। अब कर लो देखो टी का, क्योंकि मैं इसलिए नहीं काटता क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आसानी हो जाएगी, क्या हो जाएगी मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी आसानी, ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आए मेरे को, 2.303। अब मेरा जो के का मान है वो पुट करता हूँ यहाँ पे, ये रहा 2.303 × 0.4, और ये 100 चला गया ऊपर, कौन सा ये वाला। और यहां तो मेरे पास क्या बचा था, log 10 का मान कितना होता है, एक होगा भाई, 2.30 से मेरा 2.303 कट गया। अब बस टर्म क्या बची, टी बराबर है 100 बटे में 0.4, 100 बटे में 0.4, स्कोर कर लो 16। इसको सोल्व करोगे तो भाई ऊपर के नाम का 10 ये चला गया, बस 2 × 4 2 5 10, और 2 से इसको काट दो, 2 5 10 0, इसका मतलब अगर 200 पापा 25 250, तो 250 मिनट लगेंगे भाई। अगर 90% पूरा होने में कितना टाइम लगेगा आपके पास, 250 मिनट लगेंगे, कितने लगेंगे, 250 मिनट, ठीक है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो आप इसके अंदर। सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, स्टेटमेंट ऐसे मिलेगी आपको कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 100 मिनट में 60% हो रही है, तो कितना टाइम लगेगा 90% पूरी हो, कितने टाइम हो 90% पूरी हो। तो सबसे पहले जो पहली लाइन दी गई है उसके अकॉर्डिंग देंगे भाई, ये मान मिनट जिसके पीछे वो टी का मान है, परसेंटेज है, वो हम कैसे करेंगे। देखो फर्स्ट ऑर्डर का ये फॉर्मूला लिखेंगे, टी का मान लो, यहां मैंने बताया है आर नोट की जगह पे हमेशा परसेंटेज का ऐसा क्वेश्चन हो तो आर नोट की जगह पे 100 मानना पूरा आपको। नीचे वाले जो टर्म है, नीचे वाले मतलब यही तो था, मैंने ए को 100 मान लिया भाई, यही तो चीज है, ए को मैंने 100 मान लिया, 100 माइनस में एक्स, एक्स कौन है, जो मेरी परसेंटेज है, एक्स कौन है, वो मेरी परसेंटेज है, तो वही लिख दिया मैंने। आप सोचो सर यहाँ तो कोई माइनस नहीं है, अरे भाई इसको इसी तरीके से तो लिख सकते हैं। तो ए का मान कितना है, 100 है, ए का मान हमेशा 100 मानना है परसेंटेज वाले क्वेश्चन में, ठीक है। और एक्स का मान जो भी परसेंटेज हो देता आपसे, तो भाई 100 दिया तो 100 में से 100 घटा दिया, तो ये काट दिए 10 4 आ गया, इसको मैंने सोल्व कर लिया, लॉग एम बाई एन, लॉग एम माइनस एन होता है, लॉग 10 का मान 1, लॉग 4 का मान 60 21। मैंने अपनी तरफ से कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए 1 में से 0.6 को घटा दिया, 0.4 आ गया, ये मेरा के का मान था। हमेशा इस टाइप क्वेश्चन में ऐसे के का मान लेके आते हैं, वो दूसरी जो चीज है, दूसरी स्टेटमेंट है, उसमें के का मान पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछ रखा है टाइम 2.303, के का मान जो ये वाला है ये पुट करते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे वही एक एग्जांपल, 100 100 माइनस में 100 माइनस में एक्स, एक्स के यहाँ पे कौन है भाई 90%, 100 में से 90 घटा दिया 10 आ गया, काट लिया आपने, काटने के बाद लॉग 10 बच गया, लॉग 10 का मान होता है 1, लॉग 10 का मान कितना होता है, लॉग 10 का मान होता है आपका 1 भाई, ठीक है भाई। ये मैंने जो टर्म थी मेरे के की, ये दोनों चीजें ये नीचे मल्टीप्लाई में एक साथ है तो यहाँ लिख दी मैंने, नीचे डिवाइड में था वो चला गया ऊपर, भाई ये पूरी टर्म से पूरी टर्म कट गई, 100 बटे में 0.4 बचा, इसको मैंने सोल्व कर लिया, मेरा आ गया 250 मिनट, क्या आ गया 250 मिनट आ गया आपके पास। तो भाई ये टाइप है, आप इस टाइप से आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो भाई। क्वेश्चन का मतलब मैं देखो स्टेटमेंट बदल देता हूँ आपके पास, ये आई थिंक सभी को क्लियर आउट होगा अब इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना आपको, ठीक है। अब भाई टाइप बदलने का मतलब कितनी टाइप बदल सकते हो आप, कहने का मतलब मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं, या आप करके देखना इसके अंदर भाई। मैं बोलूं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50 मिनट 50 मिनट लेती है कितना कंप्लीट होने में, 60%, और यहाँ पे मेरे से पूछ ले वो कि भाई मान लो 95%, 95% कंप्लीट होने में रिएक्शन कितना टाइम लेगी, 95% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगी। तो भाई एक तो ये क्वेश्चन हो गया,
दूसरा क्वेश्चन मान लो यही है, स्टेटमेंट यही रहेगी, आप करके देखना। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान लो कितनी लेती है, मान लो लेती है 20 मिनट, एक फर्स्ट ऑर्डर। दूसरी स्टेटमेंट, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक प्लेस 20 मिनट, फॉर कंप्लीशन कितना कंप्लीट होने में, 40%, 40% पूरा होने में वो कितना लेती है, 20 मिनट लेती है। तो कैलकुलेट द, तो आपको लिखना है फाइंड द टाइम विच व्हेन कब। तो भाई आपको बताना है टाइम का मान निकालना आपको, जब रिएक्शन 60% होती है, तो 60% होगी तो उसके लिए टी का मान क्या होगा, 60% होगी तो उसके लिए टी का मान है क्या होगा। तो दूसरा क्वेश्चन, तीसरा ये होगा आपके पास, मतलब यहाँ पे ये चेंज कर दूं मेरे को क्या करना, बस ये होगा 20 मिनट और भाई 40%, कितना परसेंट है, 40%। तो टाइम परसेंट कितने के लिए होगी, 60 के लिए, कितने के लिए हो जाएगी, 60 के लिए कितनी होगी। एक बार मैं वैल्यू पुट करके दिखा देता हूँ, करना आपको खुद है सोल्व भाई। ए बराबर है 2.303 बटे में टी का मान कितना है 20, लोग 100 बटे में 100 घटा में 40, यहाँ पे टर्म को सोल्व करेंगे, 100 बटे में 60, 0 0 कट गया, 2 3 6, 2 5 10। या ऐसे कर सकता हूँ, लोग 5 माइनस लोग 3 आएगा यहाँ पे, तो या ऐसे कर लेता, इसको नहीं काटता मैं, तो मेरे पास ये भी हो जाता 100 बटे में 60, तो ये हो जाता log 10 माइनस में log 6। तो log 10 का मान तो एक होता है, log 6 का मतलब पॉइंट, और 60 का जीरो पे देखूंगा, किस पे देखूंगा, 60 का जीरो पे देखोगे आप, ठीक है। तो यहां से k का मान आएगा, यहां से किसका मान आएगा, k का मान आएगा आपके पास, देखो 60 का जीरो पे मेरे पास एक बार टेबल है, तो 1 मिनट रुको भाई। ये लॉगरिथम टेबल है, 60 का जीरो पे है मेरे पास 73 भी 80, 60 का जीरो पे है 73 भी 80, तो बन जाएगा 2.303 बटे में 20, के बराबर है 20। अब आपको क्या करना है, इसके लिए निकालना है टी बराबर है 2.303, ये के का मान कौन सा पुट करेंगे, ये बड़ा भाई, ये के का मान वहां पुट कर दोगे आप, ठीक है। लॉग 100 अपॉन में 100 माइनस में 60, 100 माइनस में 60, तो भाई ये कितने का मान यहाँ पुट कर दोगे, यहाँ क्या बचेगा 100 बटे में 40, 0 0 कट गया, 10 लॉग 10 माइनस लॉग 4 आ जाएगा, लॉग 10 माइनस लॉग 4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो भाई यहाँ से आपके टी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। तो भाई ऐसी अगर टाइप आए तो उसको ऐसे करना है, ये टाइप आती है तो आपको आंसर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देना आपको, ठीक है। तो वही ऐसे कर लेंगे, एक ये टाइप हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम चलो न्यूमेरिकल की नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन यही है, जैसे द रेट कॉन्स्टेंट, द रेट कॉन्स्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 60 S इनवर्स, 60 हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना कर देती है, 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। कि भाई ये रेट कॉन्स्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का, मतलब के का मान दे दिया मेरे से, किसका मान दे दिया, के का मान, हाउ विल इट टेक टू रिड्यूस द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बताया कितना टाइम लगेगा कि मेरी कंसेंट्रेशन की रिड्यूस हो जाए 1/10, कितना हो जाए 1/10, 1/10। तो सबसे पहले तो आप जब भी फर्स्ट ऑर्डर का नाम आया है तो इसका मतलब ये फॉर्मूला तो आप यूज करोगे, इसमें आर नॉट अपॉन में आर, ये हो गया। अब मेरे पास देखो इसने के का मतलब टाइम कुछ है ना, इसका मतलब मेरे से क्या निकल गया, टी चला जाएगा ऊपर, के आप आ जाएगा नीचे, तो कर लो इसको, के तो ऊपर चला गया और टी इसने मेरे से पूछा है। अब वैल्यू पुट करो 2.303 बटे में के का मान कितना है 60 वाई लोग।
इसने ये बोला कि इनिशियल जो है उसका कितना हो जाए 1/10, इनिशियल कितना हो जाए 1/10, इनिशियल जो है उसका कितना हो जाए 1/10। तो इनिशियल तो देखो ना वही है, इनिशियल आर नॉट ही तो है इनिशियल हमारी, ये जिसके पास अंडा लगा वो इनिशियल ही तो है। और इसका क्या हो जाए इनिशियल का 1/10, तो ये यही लिख दिया मैंने इनिशियल का 1/10, इनिशियल का 1/10, इनिशियल का 1/10, इनिशियल कितना हो गया 1/10 हो गया आपके पास। तो भाई ये इनिशियल का 1/10 हमने लिख दिया, आर नोट से आर नोट कैंसिल होगा। देखो मैंने इस जो टर्म थी इस टर्म के जहाँ पे लिखा कि इनिशियल वैल्यू को उसने बोला है कि 1/10 हो जाए, तो मैंने सीधा ये पुट कर दिया। या आप ऐसे कर लो इसको 1 1 1 लेते हैं तो ये 1 होगी, तो मैंने इसको ये उसने बताया कि इनिशियल का 1/10 हो जाता है, कितना हो जाता है 1/10, तो भाई आर नोट से आर नोट कैंसिल हो गया और भाई 10 चला गया ऊपर। तो कर दो बस सोल्व, 2.30360 log 10 का मान कितना होता है 1, log 10 का मान कितना होता है 1 होता है, log 10 का मान कितना होता है 1। तो भाई इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा आंसर आपका फाइंड आउट कर लो। जब इसको सोल्व करोगे तो भाई इसका आंसर आएगा 3.83 10^-2 सेकेंड ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये था, तो ये एक टाइप ऐसी भी है, कई बार इसमें ऐसे कर देता है। जैसे मान लो सेम यही क्वेश्चन होते, देखो पहले तो हमने ये देखते हैं इसमें क्या था कि के का मान दे रखा था, इसने बोला भाई कितना टाइम लगेगा अगर मेरी इनिशियल जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो 1/10 हो जाए, तो 1/10 बोलता है तो नीचे 1/10 लिख दो, कितना लिख देंगे 1/10 लिख देंगे। ठीक है, और मैंने सोल्व कर लिया। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि भाई इनिशियल का 1/16 कर दो, इनिशियल का कर दो 1/16, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 1/16 लिख दो, यहाँ पे जितना बोलता उसी का अकॉर्डिंग लिख दो जो स्टेटमेंट वो बोल रहा है, 1/10 बोल रहा है तो 1/10, 1/16 तो 1/16। इसमें क्या हो जाएगा भाई आर नोट से आर नोट कैंसिल होगा, ये लोग 16 आ गया, ये लोग कितना आ गया 16 आ गया आपके पास। अब भाई लोग 16 को कैसे देखेंगे, डिजिट कितने हैं 2, तो देखो इस टर्म को कैसे सोल्व करेंगे, के बराबर है 2.303/60 log 16, log 16 कैसे सोल्व करेंगे भाई, दो टर्म है बेटा, दो टर्म, मतलब मैं क्या बताता हूँ n-1 क्या करना है आपको, n-1 करना है। तो देखो n-1 करोगे तो दो डिजिट में, दो में से एक गया कितना बच गया एक, तो 2.303/60। अब यहाँ पे मैं देखूंगा तो मैंने क्या लिखा 1.1 पॉइंट, अब क्या देखूंगा मैं, अब यहाँ पे वैल्यू देखूंगा किसका 16 का, 0 पे 16 का 0 पे, तो देखो 16 का 0 पे कितना होता है 16 का 0 पे, देखो लॉगरिथम टेबल ऐसे निकालोगे लॉगरिथम टेबल आएगा आपके पास, ये रहा मेरे पास 16 और 16 का 0 पे है 20 41, कितना है 20 41, तो पुट करके यहाँ पे 24 1 24 1 भाई इसको सोल्व करोगे आप तो के का मान आ जाएगा आंसर आपका। और ये जैसे यहाँ पे तो क्या था एस इनवर्स, तो सब की चीज सोल्व आउट करोगे तो ऊपर जाएगा तो एस इनवर्स से एस हो जाएगा, एस इनवर्स क्या हो जाएगा एस हो जाएगा आपके पास। और इस टाइप की कैलकुलेशन को इतना बड़ा ना करें, कुछ बच्चे मेरे को पता है ये कैसे करेंगे, कॉपी ले बैठ जाएंगे 2.303 × 1.2041 और इसको सोल्व करेंगे, इतना नहीं करना, ऐसे छोटे बच्चों की तरह नहीं करना आपको, अरे भाई बड़े बच्चों की तरह करो ना, 2.3 ऐसे ले लो, 1.2 ले लिया आप उनमें 60, मैंने ये 2.3 ले लिया इसका 1.2 ले लिया, बस इसको अब सोल्व कर लो। अब और भी कोई दिक्कत नहीं है, मान लो इनको पॉइंट ऑफ हटाने के लिए यहाँ पे ऐसे कर लो, 2 पॉइंट ऐसे 12 5 60 10 5 5 5 60 12 5 60 हो गया आपके पास। ठीक है, बस इस टर्म को सोल्व कर लो, अब ये तो सोल्व हो गया आपके पास, ये कितने आ गए 23/500, 23/500 इसको सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा, पॉइंट समथिंग आएगा आपके पास, क्योंकि स्टार्टिंग में तो जाएगा नहीं ये, तो 0.10 लगाएंगे तब देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तब भी वे शायद 230 बनेगा ये, तब भी नहीं जाएगा तो 0.0 फिर आएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई ये थी हमारे पास समझ लो थर्ड टाइप, अगर ऐसी आती है तो ऐसे करना आपको। ओके, अच्छा एक टाइप आपके पास इसमें आती है, एक बार हम क्वेश्चन लिख लेते हैं,